नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शाजापुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए तीसरी लहर से निपटने की स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी ने भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय का दौरा कर निरीक्षण किया। सांसद सोलंकी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द ही दुरुस्त करने के निर्देश जिला चिकित्सालय अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए विशेष वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों के बिस्तर तक सप्लाई की व्यवस्था, रोजाना लिए जाने वाले सैंपल के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय शाजापुर निरीक्षण के लिए आया था। यहाँ पर मैंने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट से काम कर रहे हैं या नहीं, साथ ही कितने बेड की व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के इलाज के लिए बनाई गई है, अन्य सुविधाओं का भी मैंने निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जहाँ छोटी मोटी कमियाँ मुझे दिखाई दी, मैंने CMHO साहब को, सिविल सर्जन साहब को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वे उन कमियों को जल्द से जल्द दूर कर लें, क्योंकि किसी भी समय हमें आवश्यकता लग सकती है कि हम लोगों को यहाँ पर एडमिट करें और उनका सुचारू रूप से इलाज करवाना शुरू करें। पिछली बार शाजापुर जिला अस्पताल में जिस प्रकार के ऑक्सीजन की कमी की बात आई थी, इस प्रकार की कोई कमी अब नहीं आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें पहले ही एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर दे दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी हमें एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट दिया है। दोनों का ऑपरेशन शुरू हो गया है, दोनों में ऑक्सीजन तैयार होना शुरू हो गई है, दोनों की सप्लाई भी अलग अलग माध्यम से बेड तक पहुँचने लगी है। अब पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय शाजापुर में हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।